तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मेल्टडाउन गेमिंग पर एक और बार फिर से। और आज हम लेकर आए हैं कि GTA 5 को हम एंड्रॉइड में कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस, GTA 5 आपको पता है कि बहुत बड़ा गेम है, तो उसको एंड्रॉइड में ऐसे तो डाउनलोड करके और ऐसे खेल ही नहीं सकते, तो क्लाउड गेमिंग से हमको इसको खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड गेमिंग के ऐप हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं खेलने के लिए, और ट्रायल भी नहीं करने देते हैं। अधिकतर ट्रायल वाले भी बहुत ही मतलब ऐसे पैसे मांगते हैं और फिर ऐसा करने खेलने देते हैं। और अभी गूगल का स्टेडिया है, वो भी आने वाला है, बट वो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसमें स्टेडिया में आपको एड के थ्रू टाइम मिलेगा खेलने के लिए। अभी इंडिया में लॉन्च होगा तब तो उसको खेल भी सीखेंगे, मज़ा आएगा। बट अभी मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको गेम खेलने के लिए 50 मिनट्स फ्री मिलेंगे अकाउंट बनाते ही, और इसका जो प्राइसिंग है ना वो भी बहुत कम है। और GTA 5 अच्छा चलता है इसमें, आप देख सकते हैं मैं खेल रहा हूँ इस गेम में, और स्पीड भी 300 से 400 के बीच चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, जो कि हर जगह पर मिल जाती है। तो चलिए ऐप की तरफ चलते हैं। तो गाइस, इस ऐप का नाम है चिकी, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इस गेम में बहुत सारे गेम अवेलेबल है, जंप फोर्स है, GTA 5 है, और जंप फोर्स का गेम भी मैंने डाला था तो आप देख सकते हो, और इसका वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा जंप फोर्स का गेम प्ले डाल दूंगा, आप देख लेना। और यहाँ पर आप इसको अकाउंट बनाते आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे, जो कि आप फ्री टाइम में 50 मिनट्स का आपको मिला खेलने के लिए। और आप ट्राई कर सकते हो आपको मोबाइल में कैसा चलता है बिना कुछ पैसे दिए, और मज़ा अभी आया GTA 5 तो आपको बताइए। और इसका जो प्राइसिंग है ना वो भी बहुत कम है, 72 रुपीज़ है, और आप 1 आवर आराम से बाय कर सकते हो सिर्फ 72 रुपीज़ में, कोई भी मतलब सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर GTA 5 को मतलब आप आराम से खेल सकते हो फ्री, एक बार ट्राई कर लेना आपके इसमें कैसा चलता है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्या किया था कि 72 रुपीज़ ही था तो एक बार 1 आवर बाय कर लिया था और फिर खेला था मैंने। तो जंप फोर्स मेरे को खेलना था क्योंकि जंप फोर्स का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था कि बहुत अच्छा गेम है, उसमें ड्रैगन बॉल जी है, नारुतो है, लूफी है, जो भी है वो मेरे फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इनको, तो मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद जंप फोर्स खेला मैंने यहाँ पर। तो उसका गेम प्ले भी यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, और गेम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आपको कुछ भी नहीं करना है, गेम डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना है और खेलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।皆さん、なかなかの仕事ぶりです。巨大な力を持って世界から現れ、彼らと共闘する者たち、デノンズによって世界は壊滅的なダメージを受けた。絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。 俺は止めるわ。オーラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことお前が決めんな。諦めるということですね。では死になさい。しまった。かわいそうにあなたが避けるからですよ。 ナビゲーター、バイタルチェック。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今、あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今から あなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンスどう？了解しました。